क्या आप सही सनस्क्रीन लगा रहे हो? आपको लग रहा है कि हाँ मैं लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, बट नहीं। आज इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट सनस्क्रीन के बारे में बात करूंगी। वो क्या होता है, किस तरीके की सनस्क्रीन लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, कौन से लोग किस तरीके की सनस्क्रीन को प्रेफर करना चाहिए, सारी चीजें मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए देखिएगा। अगर आप स्किप कर दोगे तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस हो जाएगी। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, वो क्लिक करके ग्रे कर दो, और साथ में एक बेल आइकन है वो क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए और आप देख लो। मैं वीडियोस बनाती हूँ स्किन केयर, हेयर केयर एंड हेल्थ रिलेटेड, सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। लेट्स स्टार्ट योर वीडियो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अनमोल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सनस्क्रीन के रिलेटेड, राइट? तो सनस्क्रीन फ्रेंड सबसे पहले क्यों जरूरी होती है, हम लोग क्यों जरूरी समझते हैं सनस्क्रीन को, हम क्यों समझते हैं कि सनस्क्रीन नहीं लगाई तो पिगमेंटेशन हो जाएगी, टैनिंग हो जाएगी, ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, लॉजिकली अगर हम लोग बात करें तो सनस्क्रीन हमें प्रोटेक्ट करती है यूवीए एंड यूवीबी रेज से, ठीक है, जो कि हमें सन से आती है, ठीक है। तीन तरह की रेज होती है फ्रेंड्स, थर्ड रेज होती है हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे अर्थ तक पहुंचती ही नहीं है, हम तक पहुंचती ही नहीं है वो, ठीक है। सो दो रेज होती है फ्रेंड्स सन से जो हमारे तक पहुंचती हैं, जो हमारी स्किन जो है डैमेज हो जाती है, ठीक है, यूवीबी एंड यूवीए रेज से, ठीक है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो ये यूवी एंड यूवीबी रेज होती है ना फ्रेंड्स, ये हम लोग कौन से लोग कितने एसपीएफ का ले सकते हैं, ठीक है, हम लोग अब ये बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप घर पर हो, लाइक मॉडरेट सन एक्सपोजर से आप गुजरते हो, लाइक बहुत ज्यादा नहीं, आप घर पर थोड़ा किचन वगैरह में चले गए, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो आपने यूज करना है 15 to 30 एसपीएफ तक, ठीक है, 25 भी चलेगा, 30 तक आप ले सकते हो, इन बिटवीन कोई भी, ठीक है, आप ये एसपीएफ यूज कीजिए। बट अगर आपका हाई सन एक्सपोजर हो रहा है, बहुत ज्यादा धूप में जाते हो आप, तो आपने एटलीस्ट 50 एसपीएफ जो है लेना होगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एसपीएफ क्या होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ठीक है। बात करते हैं अब अगर आपने कोई भी सनस्क्रीन नहीं लगाया अपने फेस पे, तो आपकी स्किन के अंदर कम से कम 100 फोटॉन्स जो है चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर आपने लगाया फ्रेंड्स 15 एसपीएफ का सनस्क्रीन, तो वो देता है आपको 93% तक प्रोटेक्शन, और आपके अंदर कितने चले गए स्किन में, 7 प्रोटॉन्स जो है आपकी स्किन के अंदर चले जाएंगे और वो डैमेज करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर आप लोग यूज करते हो 25 एसपीएफ, ठीक है, तो आपको प्रोटेक्शन मिलती है 96% तक, और 4 फोटॉन्स जो है आपकी स्किन के अंदर चले जाएंगे जो आपको डैमेज करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आप यूज करते हो 30 एसपीएफ, तो आपको प्रोटेक्शन मिलती है 97% तक, और 3 जो होते हैं फोटॉन्स आपकी स्किन में जाएंगे। अच्छा जी, लास्ट अगर आप लोग यूज करते हो 50 एसपीएफ, तो आप लोगों को प्रोटेक्शन मिलती है 98% तक फ्रेंड्स, और सिर्फ ना 2 फोटॉन्स जो है एंटर होते हैं आपकी स्किन के अंदर। अच्छा जी, तो हम लोगों ने समझ लिया एसपीएफ क्या होता है और किस तरीके से प्रोटेक्शन होती है, कितना एसपीएफ कितना प्रोटेक्शन देता है, कितना आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, एसपीएफ होता क्या है, तो यूवी एंड यूवीबी रेज क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों ने समझ ली है, राइट फ्रेंड्स। सो अब हम लोग बात करते हैं आपने जो है ये सनस्क्रीन यूज करना कैसे है एक्चुअली में, ठीक है। सो 3 फिंगर रूल्स आपने करने हैं, यहां 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 पे लगा के डैब डैब करके, ठीक है, अपने फेस पे लगा लेना, एंड डोंट फॉरगेट योर नेक, ठीक है, नेक पे भी आपने लगाना है, वो 3 फिंगर रूल्स आपके नेक पे भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपने अच्छे से मसाज करनी है, मसाज करके उसको अच्छे से अब्सॉर्ब होने देना है, और उसके बाद आप बाहर जा सकते हो। अब जी बात आती है, मैं तो मेकअप करती हूँ, मेकअप किया हुआ है तो अब मैं रीअप्लाई कैसे करूं,
मेकअप फ्रेंड्स आपने किया हुआ है, आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा सनस्क्रीन लेना है, थ्री फिंगर वाला नहीं लेना है, थोड़ा लेके उसको डैब डैब करना है। डैब डैब करके इस तरीके के कर करके ना आपने अच्छे से उसको अब्जॉर्ब कर देना है। और उसके बाद आपने कॉम्पैक्ट पाउडर अपना लेना है, हल्का सा ब्रश से वो कर लेना है, देन अपना हल्का सा ब्रश सॉरी जो ब्लश होता है वो लगा लेना है। ठीक है, आपका मेकअप डन। आपका मेकअप ना तो खराब होगा, एक तो वो रिफ्रेश हो गया है। कॉम्पैक्ट लीजिए विद SPF। ठीक है, एक तो आपने सनस्क्रीन लगा ली, कॉम्पैक्ट भी लगा लिया, देन आपकी स्किन इज कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड। ठीक है, बेसिकली जो मैं करती हूँ वो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अपनी स्किन को प्रोटेक्टेड रख सकते हो मेकअप से और बिना मेकअप के भी। ठीक है जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा सनस्क्रीन हमें यूज करना चाहिए, ऑयली हो, ड्राई हो, एक्ने प्रोन हो। ऑयली वालों को पर्टिकुलरली जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, ऑयल फ्री। ठीक है जी, और ड्राई वालों को यूज करने चाहिए। देखो ड्राई वालों का ऐसा रहता है ना कि भाई आप लोग मॉइस्चराइजर भी लगा लेते हो और उसके ऊपर से सनस्क्रीन लगाते हो, तो आप लोगों को समर्स में, पर्टिकुलर समर्स में जेल वाला भी चल जाता है और थोड़ा सा ना एक क्रीमी फॉर्मुला भी चल जाता है ड्राई स्किन वालों को, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है इसलिए मैं आप लोगों को ये अच्छे से बता सकती हूँ। द थिंग इज आपने बस देखना है कि आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, बहुत चिपचिपा ऑयली वाला है, क्योंकि समटाइम्स बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी वाला मौसम हो जाता है तो उसमें जेल बेस ही काम आता है ड्राई स्किन के लिए भी। तो आपने अकॉर्डिंग टू द मौसम, अकॉर्डिंग टू वेदर आप लोग जो है सनस्क्रीन चेंज कर सकते हो अपने। बात आती है अब एक्ने प्रोन वालों की। एक्ने प्रोन वाले तो भाई सिर्फ पर्टिकुलर एक्ने प्रोन वाला सनस्क्रीन ही यूज कर सकते हैं। एपिसॉफ्ट इज द बेस्ट वन, जो मैंने यूज किया था जब मेरे पिंपल्स थे, उस समय ऑयल क्रिएशन बहुत ज्यादा हो रहा होता है, तो आपने ऑयल फ्री मैटिफाई सनस्क्रीन लेना है, साथ के साथ वो एक्ने प्रोन वाला हो फ्रेंड्स। ठीक है, उसके अंदर ऐसी स्पेशलिटीज हो जो एक्ने प्रोन के लिए अच्छी हो। एपिसॉफ्ट मैंने आपको बताया है, ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था एंड इट वर्क्स वंडर्स। थोड़ा कॉस्टली है बट यार एक्ने जब होते हैं ना तो पैसे जितने मर्जी लगाने को बंदा रेडी होता है, बट एक्ने नहीं चाहिए। ठीक है, एक्ने नहीं चाहिए, पिंपल्स नहीं चाहिए, पिंपल्स के मार्क्स नहीं चाहिए। उस केस में मुझे ये बहुत हेल्प किया था। ठीक है, अगर आप डॉक्टर से नहीं भी रिकमेंड करना चाहते हो, नहीं पूछना चाहते हो, तो भी आप इजिली एपिसॉफ्ट सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। इट हैज अ मॉइस्चराइजर एंड द सनस्क्रीन बोथ। ठीक है, तो ये बेस्ट है फॉर एक्ने प्रोन स्किन। अगर आप लोग साथ के साथ एक्ने का ट्रीटमेंट कर रहे हो, टेटिनॉइड यूज कर रहे हो, एजिडर्म भी यूज कर रहे हो, तो उसके साथ ये बहुत अच्छे से काम में आता है फ्रेंड्स। एपिसॉफ्ट, एसी एपिसॉफ्ट करके नाम है। ठीक है, काफी लंबा नाम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको बहुत सारे सनस्क्रीन के लिंक्स वगैरह दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। सभी स्किन टाइप के जो है सनस्क्रीन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो मैं स्टोर का एक लिंक डाल दूंगी, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, सो अब हमने जो है बात कर ली है किस तरीके से सनस्क्रीन आपने यूज करना है और कौन से सनस्क्रीन किस टाइप स्किन टाइप पे सूटेबल होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है जी, अब ये सारी चीजें जो है मैंने आई थिंक सो सभी सनस्क्रीन के रिलेटेड चीजें मैंने कवर कर दी हुई हैं इस वीडियो के अंदर। इन केस कुछ मैं भूल गई हूँ या आप कुछ और पूछना चाहते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगी। थोड़ा कमेंट का डिले हो सकता है क्योंकि मैं अकेली ही हूँ हैंडल करने के लिए। एंड एक और चीज बोलूंगी फ्रेंड्स, अगर आप कोई सनस्क्रीन ले रहे हो तो आप अपने पॉकेट के हिसाब से ही लीजिएगा, बजट फ्रेंडली भी। मैं आप लोगों को लिंक्स जो होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, हाई एंड भी डालूंगी, मीडियम में भी डालूंगी और लो में भी डालूंगी। ठीक है, तो आपकी पॉकेट जिस सनस्क्रीन पे मतलब सूट करती है आप वो लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको हर तरीके के सनस्क्रीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी जरूर। ठीक है जी, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।